कैन आई गेट अ शेविंग किट प्लीज? मिया, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम विद हिंसवेयर इटालियन कलेक्शन। आप सभी को अंडमान निकोबार सीपीआईएम का स्टेट हेडक्वार्टर्स में स्वागत है। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है, अभी पिछले 3-4 दिन से पोर्ट ब्लेयर में बहुत गर्मा गर्मी डिस्कशन यही हो रहा है कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल गया, बदल के श्री विजयपुरम रख दिया। ये 13 को, ये महीना 13 तारीख को अचानक जो है सोशल मीडिया में पोस्ट आ रहे हैं, अमित शाह जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का जो पोस्ट आ रहे हैं ये सोशल मीडिया में कि पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज करके श्री विजयपुरम रख दिया। ये कॉलोनियल लिगासी से मुक्त लेने के लिए, मिलने के लिए ये किया है, इंडियन नाम अडोप्ट किया, ऐसा ऐसा करके जो है उसका बाकी कमेंट्स वगैरह कई लोगों का आया। उसके बाद में हमने देखा कोई जगह में प्राइम मिनिस्टर का भी ट्वीट देखा था एक्स में। तो इधर में जो है इसका बारे में डिस्कशन भी हुआ, मैं भी कई पॉलिटिकल लीडर्स से बात किया, कांग्रेस बीजेपी कई लोगों से पूछा, तो किसी को कोई आइडिया नहीं ये कहाँ से आया, कैसा आया करें। और उसके बाद में मुझे पता चला है, और लोकल बोन एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसका जरिया से ज़्यादा इंफॉर्मेशन बाहर आया। हम लोग भी, मेरा भी जो इंक्वायरी जो कुछ नया चीज़ में लेके किया था, आपको पता होगा कानून के अनुसार जो है एक राज्य का नहीं तो स्टेट कैपिटल का सब नाम अगर चेंज करेंगे, वो राज्यों में जो जनवादी तरीका से जो चुना गया जो सभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ एक रेसोल्यूशन पास करके और उसके बाद में वो रेसोल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्ट्री में भेजता अप्रूवल के लिए। उसका पहले जो है यह ऐसा एक फाइन मॉर्निंग में कोई लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई रेसोल्यूशन पास नहीं करता, उसमें पब्लिक ओपिनियन आता है। सालों से जो है लोगों का डिमांड आता, कई ऑर्गेनाइजेशन का, पॉलिटिकल पार्टीज का, कुछ रीजन का साथ नाम आता है, मतलब डिमांड आता है कि वो नाम चेंज कर, तब जा करके स्टेट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली वो रेसोल्यूशन पास करके भेजता है। लेकिन अंडमान निकोबार में यहां कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोई बॉडी नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है ये प्रपोजल जो है, मेरे को पता चला है ये प्रपोजल ऊपर से आया, दिल्ली से आया, और यहाँ एक रीनेमिंग रेसिस रीनेमिंग कमिटी है अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत, एक 16 मेंबर का एक कमिटी है, वो कमिटी में ये डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जगह में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ यूनियन टेरिटरी है, अगर यूनियन टेरिटरी में अगर असेंबली है जैसा पौंडीचेरी है, नहीं तो दिल्ली है, वो असेंबली में रेसोल्यूशन पास करता, यहाँ असेंबली वगैरह नहीं है, इसलिए जो है रीनेमिंग कमिटी में वो चली। यहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो बॉडी था प्रदेश काउंसिल पहले,
आपको पता है, मैं पहले भी बोला आप लोगों को, ये संदर्भ में ये सब जो है याद आता हम लोग, क्योंकि ये क्यों तानाशाही तरीका से किया। पहले इधर में प्रदेश काउंसिल हुआ करता था, ये प्रदेश काउंसिल जो है कांग्रेस पार्टी का धन नहीं है, दिया वाला कोई तोहफा नहीं है। ये 1979 में उन दिनों का जो जनता पार्टी गवर्नमेंट है, वो जनता पार्टी गवर्नमेंट का सामने हमारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का नेता पीकेएस प्रसाद ने डिमांड रखा था, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं तो दूसरा कोई पार्टी डिमांड नहीं रखा कि अंडमान में जो है प्रदेश काउंसिल चाहिए करके। कई सालों का डिमांड था प्रदेश काउंसिल होना। वो प्रदेश काउंसिल का मांग 1979 में फर्स्ट जो है एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा देश में आया था मोरारजी देसाई का लीडरशिप में। वो गवर्नमेंट जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स प्रदेश काउंसिल अंडमान निकोबार आइलैंड्स एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन 1979 प्रेसिडेंट पास करके अंडमान निकोबार के लिए एक प्रदेश काउंसिल का गठन किया था। वो प्रदेश काउंसिल 14 साल चला। 1980 में जो पंचायत इलेक्शन म्यूनिसिपल इलेक्शन हुआ था उनका जरिया से जो है प्रदेश काउंसिल मेंबर्स को इलेक्ट हुआ। इलेक्ट होने के बाद में जो है वो प्रदेश काउंसिल शुरू कर दिया, एस्टैब्लिश किया 1994 तक वो प्रदेश काउंसिल चला। कांग्रेस पार्टी का टाइम में वो प्रदेश काउंसिल बंद कर दिया था और बीजेपी उसका समर्थन किया, और उसका बाद में आज तक जो है अभी 30 साल हो गया मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी वही दिन से नंबर वन डे से हम लोग जो है डिमांड कर रहे हैं। हम लोगों ने बोला ये गलत है, ये गलत तरीका से कर रहा है। लोगों का ग्रीवांसेस बोलने का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का एक फोरम था प्रदेश काउंसिल, वो प्रदेश काउंसिल बंद किया, बहुत गलत था। अंडमान निकोबार का लोगों का साथ जो है अन्याय था और लोगों का जो है बिट्रे किया यहाँ का कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोगों ने डिमांड ये बताया था लोगों को, हम वही दिन से हम डिमांड कर रहे हैं कि अंडमान निकोबार में लेजिस्लेटिव असेंबली होना, यहाँ गवर्नमेंट होना पौंडीचेरी का तरह। अगर वो नहीं कर सकता तब तक जो है इधर में प्रदेश काउंसिल दोबारा होना, ये हमारा मांग है, आज भी हम ये बता रहे हैं। तो इसी तरह संदर्भ में हम लोग जो है सोचता है कि जो इधर में जनवादी संस्था होना चाहिए। पहले कुछ लोग जो है उसका विरोध करता था, बीजेपी कभी ये डिमांड नहीं किया कि जो है ये प्रदेश काउंसिल होना, वो लेजिस्लेटिव असेंबली का समय वापस किया था। और यूपीए गवर्नमेंट भी जो है यूपीए 2 गवर्नमेंट वो टुकरा दिया, बोला नहीं कर सकता इधर में लेजिस्लेटिव असेंबली। और 10-11 साल से जो अभी नरेंद्र मोदी सत्ता में, उसका पहले 6 साल बीजेपी अद्वानी ये वाजपेयी जी थे राज किए थे, तो 16 साल बीजेपी राज किया, उसके बाद में बाकी पीरियड कांग्रेस राज किया। वो ये प्रदेश काउंसिल दोबारा इधर में दिया नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ये जो एक षड्यंत्र का अंतर्गत ये कर रहे हैं, पूरा देश में जो है संघ परिवार कब्जा कर रहे हैं, पूरा नाम चेंज कर रहा है, जो मुस्लिम नाम है और दूसरा जो है मतलब दूसरा कोई बाहर का नाम अगर डाल दिया, वो सारा चीज चेंज करके जो संघ परिवार उसका एजेंडा अंडमान निकोबार में और पूरा भारत में जो है इम्प्लीमेंट करने का जो उनका योजना है उसके तहत जो है ये प्रपोजल दिल्ली से आया। और इधर में जो है रीनेमिंग कमिटी 16 मेंबर में मुझे पता चला है, इधर में कोई एक्चुअली जो है कमेटी का मीटिंग होना चाहिए था यहाँ जो है नरेंद्र मोदी का राज में, यहाँ जो है मीटिंग वगैरह बहुत कम हो रहा है, यहाँ जो है मतलब सर्कुलेशन कर रहा है, आप लोग पता नहीं होगा सर्कुलेटरी मिनट्स सर्कुलेट करता, मिनट सर्कुलेट करके जो है सबके पास जाकर के साइन लेता। इवन डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटी भी कई इंपॉर्टेंस कमिटी का जो है मीटिंग नहीं हो रहा है, मिनट सर्कुलेशन है। अगर मीटिंग रखेगा तो लोगों को बोलने का मौका मिलता है, ठीक है ये फलाना आदमी जो है ये सूटेबल नहीं है प्रमोशन के लिए, उनको प्रमोशन नहीं देना, नहीं तो ये गलत है, वो सब बोलने का एक मौका जो है मीटिंग में होता। और इधर में भी जो है ये रीनेमिंग कमेटी का मीटिंग, ये 2012 से ये कमेटी है, मुझे पता है 2012 में ये कमेटी सेटअप किया था। और उसके बाद में जो है सुराज दीप और शहीद दीप
और सुभाष चंद्र बोस, दीप, ये सबका नाम जो है हम लोग नील रोसेल वगैरह को जो डाल दिया, तब भी जो है इसी तरह जो है कमिटी एक मिनट्स बना करके सबसे साइन लेकर के जो है दिल्ली में बेस के अप्रूव करा के कर रहा था। अभी भी ऐसा है, उसमें 16 जन उसमें है, उसमें दोनों जिला परिषद का अध्यक्ष, चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल, एमबी ट्राइबल काउंसिल का, कार्निकवार का ट्राइबल काउंसिल का चेयरमैन, ये 4-5 जन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। उसका अलावा और कौन कौन है अभी हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन 16 मेंबर है कमिटी है ये। उसमें मुझे पता चला है कि 15 जन इसमें साइन किया है, और ये 15 जन में है। शुरू में ये इसके बारे में जो है हम लोगों को खबर नहीं मिलता था, ये दोनों जिला परिषद अध्यक्ष और पोर्टलर म्युनिसिपल काउंसिल का चेयरमैन, ये तीनों साइन किया है। मुझे बहुत शर्म का बात है, दुख लग रहा है। हमारा एक अध्यक्ष जो है साउथ अंडमान का, उनका जो है वीडियो ऑडियो क्लिप हमने सुना था कि बोला हमारा पास एक फाइल लेके आया है रात के टाइम में, मैंने पढ़ा भी नहीं है, ऐसा साइन कर दिया ऐसा करके। शर्म होना चाहिए, ये तीनों जो है जो साइन किया कांग्रेस पार्टी का लीडर्स है, कांग्रेस पार्टी का लीडर्स है। कांग्रेस पार्टी को कोई अधिकार नहीं, हक नहीं है इसको वापस करने का। कांग्रेस पार्टी और सेंटर का बीजेपी दोनों मिलकर के जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम चेंज किया है। मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूं, ये तीनों को आप जब तक आप कांग्रेस पार्टी से डिसमिस नहीं करेगा, आपको कोई अधिकार नहीं है इसको विरोध करने के लिए। ये तीनों को जो एक मिनट में भी जो है अधिकार में जो है पावर में रहने का, कुर्सी में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। वो लेडी बोल रही है कि मुझे पता नहीं है, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा हुआ करेंगे। मुझे खबर मिल रही है तीनों को जानता है, जान के उन लोग साइन किया। क्या मजबूरी था इनको प्रशासन जो है दिया वाला कागज में साइन करने का? अगर साइन नहीं करने से इनको क्या करता था एडमिनिस्ट्रेशन? कौन सा मजबूरी था इनको? क्या बोल करके जो है इनको डराया ये साइन कराने के लिए? क्या कुल ठीक है, बाकी लोगों को जानता नहीं है क्या? सुदीप राय शर्मा जो चेयरमैन म्युनिसिपल का, उसको इंग्लिश जान नहीं जानता करके नहीं बोल सकता? वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा वाला आदमी, हमको पता है पर्सनली, उसको जानता है। तो उनको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशराइज कर दिया इसमें साइन करने के लिए? ये क्या कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट को नहीं जान पाता ये? अभी आप लोगों को जो है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोग बता रहे कि हम लोग शोकॉज नोटिस इश्यू किया। कौन सा शोकॉज नोटिस इश्यू किया? मैं दो चीज हो सकता है इसमें, सारे लोग मिलकर के कांग्रेस का लीडरशिप, ये तीनों जो लीडर्स है जो अध्यक्ष लोग, दोनों अध्यक्ष और चेयरमैन, ये मिलकर के ये किया है, नहीं होने से ये इनकॉम्पिटेंट लोग है, ये प्रेशराइज करके इनको प्रेशराइज करके ये कराया है। वो प्रेशराइज करने का क्या वजह से इन लोग प्रेशराइज में जो है चले गया, दब गया? क्या इन लोगों का करप्शन का है मामला है, या इनको और कुछ दिखा करके डराया होगा? इलेक्शन का टाइम है जो है, अध्यक्ष इलेक्शन चेयरमैन इलेक्शन का टाइम है, इन लोग अपना बलबूती पर बन रहे हैं। कांग्रेस पार्टी है, हमको कोई एक लीडर बोल रहा था सर हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है उनका ऊपर, बात तो सही हो सकता है। जो पैसा का खेल चल रहा है, पैसा दे करके जो है एक एक पोजीशन में आ जाता है, चेयरमैन अध्यक्ष वगैरह जो है बन जाता लोग, ये पॉलिटिक्स गंदा पॉलिटिक्स है। उसका परिणाम है इस तरह जो डॉट एडमिनिस्ट्रेशन का जो बोलते बोलने वाला जगह में डॉटर लाइन्स में साइन करने का, ये तीनों को जो है एक मिनट भी ये पावर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करता हूं इनको आप सस्पेंड कर दीजिए। मैं ये तीनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप पद छोड़ दीजिए, क्योंकि आप अंडमान निकोबार पोर्टलर में रहने वाले 2,00,000 लोगों का जो है विश्वासघात किया है, आप बिट्रे किया लोगों को। आपको इधर में बैठने का एक मिनट भी इधर बैठने का अधिकार नहीं है, और कोई पब्लिक से आप पूछा नहीं है। आप पब्लिक ओपिनियन लेना चाहिए था, केंद्रीय सरकार बीजेपी का सरकार सारा चीज ऐसी कर रहे हैं, वो सारा चीज नाम चेंज कर रहे हैं। यहां समस्या बहुत है, आप लोगों के सामने बहुत लोगों बहुत कुछ बताया सही है। यहां पानी नहीं है, 10 दिन में एक बार पानी देता है,
बिजली सवेरे से बिजली नहीं है। कांग्रेस बीजेपी बारी बारी से राज किया हमारा देश में पिछले जो है 77 साल में। आप सोच के देखिए 10 दिन में एक बार पानी, 8 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जो है बिजली कटौती, सड़क नहीं है, एक भी सड़क ठीक नहीं है, नौकरी नहीं है, जो नौकरी है मेनलैंड से लोग आके लेके जा रहे हैं। ये बुनियादी मुद्दे पर जो है, ज्वलंत मुद्दे पर कोई डिस्कशन नहीं है, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ये होने के बाद में हमने देखा संघी लोग आकर, अंधभक्त लोग, मैं बोल रहा अंधभक्त लोग आकर के इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। कहां से जो है अंडमान का चोला राजा का टाइम से जो है मतलब लेकर के जो है जस्टिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्यों किया ये पोर्ट ब्लेयर जो है, दो वेड जो है एक नाम उसमें, एक वो एक वेड का जो है वो नाम का आधा हिस्सा, एक आदमी जो अंडमान को डिस्कवर किया, अंडमान में आकर के जो है इधर पे सर्वे करके गया, लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर है, उन्होंने 1788 में आया इधर में, 1788 में उनको दायित्व दिया इधर में आने के लिए, 1789 में आया, उसके बाद में 1786 में वो चले गया 7 साल का बाद में, इधर में सूटेबल नहीं है कोई सेटलमेंट के लिए, लेकिन वो सर्वे किया। सबसे पहले इधर में आया वाला आदमी का नाम है ब्लेयर, उनका नाम रखने में क्या गलती है? अगर आप बीजेपी सरकार इस तरह अगर जाएंगे पूरा इंडिया का सारा नाम अगर चेंज करना पड़ेगा, फॉरेन नाम दिल्ली में सारा जो है एक एक करके चेंज कर रहे हैं। अब देखिए जो रोड का नाम भी कर्जन रोड, कर्जन रोड जो है दिल्ली में ना अभी कस्तूरबा गांधी मार्ग हो गया, लेकिन उधर में बहुत ही और भी रोड, बहुत रोड है, आपको नाम लेने नहीं मांगा, बहुत रोड अभी भी है उधर में, बहुत जगह कनॉट प्लेस, बहुत जगह है ब्रिटिश नाम से नहीं तो दूसरा फॉरेन नाम से जुड़े हुए। तो ये सब चेंज करने के लिए अगर जाएगा तो उधर में कहां जाके रुकेंगे? तो हम डर रहे हैं ये आने के बाद में। हम मेरा जानता वाला हमारा पार्टी का भी बाकी लोगों को भी कई मुस्लिम क्रिश्चियन लोगों को बोला, तुम लोग अपना अपना नाम चेंज करो भाई, इंडियन नाम रखो, नहीं तो नरेंद्र मोदी आके कौन टाइम में आपका नाम चेंज करने के लिए जबरदस्ती आके नाम चेंज करे बोल नहीं सकता। तो इधर में जो है कांग्रेस पार्टी का सहमत से, कांग्रेस पार्टी का सहयोग से अंडमान निकोबार में बीजेपी पार्टी ये पोर्ट ब्लेयर का जो है नाम चेंज किया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का तरफ से हम इसको खंडन कर रहे हैं, आने वाला दिनों में हम इसको विरोध करेगा, लेकिन कितना तक सक्सेस होगा हम बोल नहीं सकता, क्योंकि संघी जो गवर्नमेंट है ये तानाशाही गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट किसी का जो है बात सुनता नहीं है, कोई पब्लिक ओपिनियन जो है गवर्नमेंट नहीं सुनता, एमबी खुद बोल रहे हैं, एमबी खुद रोके घूमता है। उधर में आप लोग देखिए कल जो है गोविंद मोहन साहब आया था होम सेक्रेटरी, उनका जो है सामने जाकर के मेमोरेंडम दिया, वो मेमोरेंडम आज पेपर में आया, मैंने एको ऑफ इंडिया में पढ़ा। अब देखिए उसमें वर्चुअल एक चार्जशीट है, केंद्रीय सरकार के खिलाफ में एक चार्जशीट है, उनका एमबी बोल रहे कोई चीज उधर मैंने, हम लोग भी वही बोल रहे, हम लोग वही बात हम लोग भी बोल रहे हैं। बीजेपी का शासन में इधर में कुछ भी नहीं हो रहा है, लोगों का परेशानी बढ़ रहा है। इधर में जो एमबी साहब जो बोला मैं 100% सहमत हूं, मैं उनसे अभी मैं डिमांड नहीं कर रहा, वो रिसाइन करके जाना करके, मैं वो नहीं बोल रहा हूं, उसको खुद करना चाहिए, डेली रोक के गुंदा है वो बोल रहे, उसका बात कोई सुनता नहीं है। अगर उसका बात अगर कोई नहीं सुनता, वो बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का 240, मैंने पहले भी बोला 240 एमबी लो में लोकसभा बेस में एक विष्णुवर राय जी भी है, अगर उनका बात अगर ये गवर्नमेंट नहीं सुनता, उनको क्या करने के लिए रहता है एमबी बोल करके, क्या करने के लिए रूलिंग पार्टी में वो कंटिन्यू करना, उनको उनको डिसीजन लेना चाहिए इसके बारे में। संघी लोग अंधभक्त लोग इधर में कुछ भी करो, अभी उसको भी मतलब जस्टिफाई करने के लिए बहुत लोग निकला, मैंने देखा बहुत लोग जो है यूट्यूब में सब दे रहे, और कोई कोई लोग जो है इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब यूट्यूब का जरिया से, मैं आप लोग पता होगा कौन कौन है करके, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम विरोध कर रहे हैं करके बोल करके भी जो है इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के बारे में ये सब के बारे में जो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं।
ये गलत है, ये अंडमान निकोबार का जनता का साथ एक धोखाधड़ी है, ये गवर्नमेंट ये किया है, बीजेपी सरकार और संघ परिवार का लोग, और इधर में सब कुछ अंडमान में जो है बदलने जा रहा है। इधर में इधर का जो है लोगों का जो बुनियादी इश्यूज है उसका बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। अननेसेसरी चीज को लेकर के जो है संघ परिवार का लोग जो ये कर रहे हैं, पहले जो है पहले का एमडी जो है चुप से बैठता था, इनडायरेक्टली उसका साइलेंटली बैठ करके सपोर्ट कर रहा था, अभी का एमडी भी यही समर्थन किया। देखिए उनका वीडियो आया, आप देख सुन लिए क्या क्या बोल रहे हैं, वो वीडियो देखने से हमको शर्म लगता। इस तरह एक आदमी हमारा एमपी है, आप देखिए मेरे को सारा लोग बहुत लोग हमको टेलीफोन करके बोला सर बीजेपी का लोग बीजेपी का सिंपदेश टेलीफोन करके बोल रहे हैं, इसका वीडियो सुनने का बाद में उनका लीडर्स बोल रहे हैं, लीडर्स बोल रहे नहीं चुप से बैठना चाहिए था, क्या क्या बोल रहे हैं सर। मैं तो अंडमान निकोबार नाम चेंज करके विजयपुरम करके इधर में क्या सिंगापुर बनाया गया, यहाँ परेशानी बढ़ रहा है, इधर में टूरिज्म सेक्टर को जो है बहुत एडवर्सली इफेक्ट होगा। आज तक जो टूरिज्म इंडस्ट्रीज का लोग बोलता नहीं है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्रीज का जितना भी जो लीडर्स है जो नेता लोग है जो है ये सब बीजेपी का जो पिट्टू लोग है, बीजेपी का समर्थन गुम पढ़ के घूमने वाला लोग है, जो होटल का होने से भी टूर ऑपरेटर्स होने दूसरा लोग होने से भी क्यों लोग विरोध नहीं कर रहे। बोलेगा तो बहुत कुछ है, सीपीएम इसका खंडन कर रहा है, आने वाले दिनों में सीपीएम पार्टी इसका विरोध करेगा, हम लोग किसी से डरता नहीं है। ये कांग्रेस का नेता लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशराइज करके साइन कराने के तरह, हम लोग किसी से डरता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो जो है कोई चोरी नहीं करता, बदमाशी नहीं कर रहे हैं, नहीं तो पैसा कमा कर बैठा नहीं है हम लोग। हम लोग जो है कल GST आएगा, CBI आएगा, ED आएगा, ये सब इन्हीं लोग डरेगा, हम लोग जो बोलना है बोलेगा सीपीएम पार्टी का लीडर्स, हम लोग बोलते रहेगा। ये सरकार के खिलाफ है, इस तरह जो है जन विरोधी जो नीतियों के खिलाफ है सीपीएम पार्टी, हम 10 साल भी होने से हमारा साथ, हम लोग बोलते रहेगा, इनका खुलासा करते रहेगा, हमारा साथ कौन आता है कौन नहीं आता वो हमारा कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जब तक हम लोग इधर में है कुछ लोग होने से भी ये बीजेपी सरकार का ये संघ परिवार का जो है ये अंडमान निकोबार का लोगों को जो डिवाइड करने का इनका नीति है इसका खिलाफ है, ये जन विरोधी जो नीतियां हैं इसको हम लोग खुलासा करके जो है ये बताने के लिए सबसे आगे सीपीएम पार्टी रहेगा। धन्यवाद। आपको कुछ पूछना तो पूछ सकता है। अयपन सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको इस नाम से एहतियात क्यों है, क्योंकि ये ब्रिटिश नेम है, क्योंकि ये ब्रिटिश नेम हटा के हमारे जो सांस्कृतिक नेम है इसको इसमें नहीं, कोई नाम चेंज करने का जरूरत नहीं है, ऐसा चेंज करने के लिए जाएगा सारा अंडमान निकोबार का सारा नाम चेंज करेगा, क्यों चेंज करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्यों चेंज करने जा रहे हैं, इसका पीछे कुछ कारण है, कुछ गलत इंटेंशन है, संघ परिवार का एजेंडा है इसका पीछे, ऐसा करके जो है कोई मतलब अच्छा नाम डाल दिया नहीं होने से दूसरा कोई चोला राजा का टाइम से रिलेटेड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये संघ परिवार का एजेंडा का तहत जो है ये नाम चेंज किया है। हम इसको कोई भी नाम चेंज है हम इसको विरोध कर रहे हैं। देखिए इसमें पोर्टलेयर का नाम जो है जाना माना मतलब नाम है, ये पूरा वर्ल्ड में सब जगह में जो पोर्टलेयर जान रहे हैं। आप अभी देखिए कलकत्ता, तो आप पूछेगा कलकत्ता कहते हैं कलकत्ता, वो कलकत्ता से कोलकाता की उसमें थोड़ा रिसेम्ब्लेंस है, इसमें मतलब मिलता जुलता है। अब चेन्नई 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 था, तमिल में चेन्नई बोलता था, चेन्नई नाम था पहले से भी, इसलिए वो चेन्नई नाम अभी भी रखा है, पहले भी जो आधा से ज्यादा लोग चेन्नई बोलता था, तमिल में चेन्नई था, कोचिन केरला में कोचिन रखा, कोच्ची कर दिया, तो नाम मिलता जुलता है। ये तो पोर्टलेयर और श्री विजयपुरम में क्या संबंध है, आप कौन जगह में, आप स्विट्जरलैंड में रहने वाला आदमी दूसरा जगह में रहने वाला आदमी जो है कंफ्यूज हो, कोई आएगा नहीं इधर में, टूरिज्म सेक्टर जो है बहुत तो प्रॉब्लम फेस करेगा और भी बहुत डिफिकल्टीज है, वो सब बोलने के लिए जाएगा बहुत टाइम लगेगा, इसमें जो है टेक्निकल इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज बहुत है, वो सब अभी हम ये सब बोलने नहीं मांगता, तो बाद में बोलेंगे। कांग्रेस का नाम ने चेंज किया होगा, पिग्मालियन पॉइंट चेंज करके इंदिरा पॉइंट डाल दिया, हम सारा चीज के लिए हम विरोध कर रहे हैं, तो नहीं नहीं सरकार जब होती है तो उनके पास एक कानून होता है कि वो किसी रेजोल्यूशन के तहत जो है अपना एक बिल पास करके नाम चेंज कर सकते हैं, कर सकता है, एक कानूनी भाषा भी है, तो
नहीं, इसमें जो है देखिए अभी ये कांग्रेस का टाइम है, अंडमान में पिग्मालियन पॉइंट कैंपबेल बे का सबसे ग्रेट निकोबार का सबसे सदर्न मोस्ट पार्ट है, उसको चेंज करके इंदिरा बन गया, इंदिरा गांधी उधर में विजिट किया था, तो विजिट करने के बाद में जो वो चेंज किया, पिग्मालियन पॉइंट में कोई रहता नहीं है, उसमें पिग्मालियन पॉइंट रहो या इंदिरा पॉइंट रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पोर्ट ब्लेयर ऐसा नहीं है, पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है पूरे विश्व में वर्ल्ड ओवर जो है वो नाम फैला हुआ है, टूरिज्म मैप में है, सारा जगह में पोर्ट ब्लेयर लिख के रखे, आप ऑल ऑफ ए सडन जाकर के पोर्ट ब्लेयर का उसके साथ कोई मिलता जुलता नहीं है, उस तरह एक नाम ला करके डाल दिया, ये गलत इंटेंशन से ये कर लिया, समझना, वही इंदिरा गांधी मतलब इंदिरा पॉइंट जो डाला है कांग्रेस का टाइम है उसका दूसरा कोई इंटेंशन नहीं था, वो तो उधर में जो है आइसोलेटेड एरिया है, इंदिरा गांधी उधर में विजिट किया, इसलिए जो है पिग्मालियन पॉइंट, वो पिग्मालियन पॉइंट नहीं है, दूसरा कोई इंडियन नाम होने से भी वो चेंज करेगा, चेंज करके जो है वो डाल देगा, एक एक नाम, अभी कैंपबेल बे, हमें कैंपबेल बे का हमारा एक लीडर को बोला अभी कैंपबेल बे चेंज होने वाला है, क्योंकि कैंपबेल बोल रहे थे जो ब्रिटिश आदमी है, तो सारा नाम चेंज करेगा, ये तो गलत इंटेंशन से जो है संगवरी तो कहीं चेंज होएगा, ये अननेसेसरी चीज में लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं, अननेसेसरी चीज है ये, तो लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए संघ परिवार का एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है, इसमें उनका एजेंडा भी इम्प्लीमेंट होएगा, लोगों का अटेंशन, अभी लोग इधर में गुस्सा है, लोग ये गवर्नमेंट से जो परेशान है, वोट दिया उनको, वोट मिला उनको, जीता उनका एमपी जीत के गया यहां से, लेकिन लोग अभी आप जाके देखिए एक सर्वे कर लीजिए ये गवर्नमेंट के खिलाफ में जो है जो मूड क्या है लोगों का अंडमान निकोबार का, आपको पता चलेगा लोग परेशान है इसमें, ये गवर्नमेंट से सामान का दाम हर दिन बढ़ते जाता, हम जो दुकान से सामान ले रहे हैं वो सेठ बोल रहे थे सर हर महीना सामान का दाम बढ़ रहा है, हर महीना आम आदमी कैसा जिएगा, गरीब मजदूर कैसा जिएगा, इधर पे जो नौकरी नहीं है पढ़े लिखे बच्चे जो बैठा है उनका जिंदगी क्या है, वो सब के बारे में इन लोग सोचता नहीं है, ये अंधभक्त लोग जो बैठ करके इसका समर्थन कर रहे हैं, ये एमबी इसका समर्थन कर रहे हैं, उसको ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, इधर का अनएम्प्लॉयड लोग कैसा जाते मरने दो बोलता है ना, तो कुछ भी होने दो उसको कोई लेना देना नहीं है, नौकरी नहीं है जो नौकरी है पोस्ट फिलअप नहीं कर रहा है, जो फिलअप कर रहे हैं उसमें एक अच्छा परसेंटेज जो है दूसरे लोग लेके चले जाता है, ये कांग्रेस और बीजेपी का नाकामी का वजह से, तो सीपीएम पार्टी इसका विरोध करेगा, चार आदमी होने से भी हम लोग इसका विरोध करते रहे आने वाला दिन।